तो जिसके भी घर में इंजीनियर हो हाथ खड़ा कीजिए। अभी एक ठो है असम है, हवाई जहाज का इंजीनियर है, और दो ठो है आईटी का है। यहाँ तो करीब 200 तो जरूर हो गए, ये ऊपर भी हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था कि 10th बोर्ड कैसे भी दे लो, उसके बाद फिर हम मतलब पता नहीं चला। और मम्मी पापा बोल रहे थे कि नहीं पढ़ाएंगे, मेरे को पता भी नहीं था कि 11th 12th भी मतलब होता है कुछ। बट जब जॉब किया तो वहाँ पे लगा अब सही टाइम आ गया है कि अपने गांव के लिए कुछ करने का, इसलिए हमने जॉब को रिजाइन किया और फिर यहाँ पे आकर के। और जितने भी बच्चे वैसे वैसे जो पैसे नहीं रहने के कारण नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए मतलब हम लोगों ने यह सिस्टम बनाया, ब्रिक्स विद अ चेंज बनाया। जनरान जी, जय नारायण जी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम लोग बीच से आए हैं। हाँ। अभी आपकी बच्ची तो स्कूल नहीं जा रही है, पता चला, और क्यों नहीं जा रही है? देखिए, हमारे पास समर्थन नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, जितना हमको था उतना हम पढ़ा दें। अब जितना पैसा लग जाएगा 11th 12th का, हमें उतना शक्ति नहीं है। तो आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, दो बच्चा है। आपके जो दो लड़के हैं वो स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। देखिए, जब हम लोग शुरुआत में जब जा रहे थे तो उन लोगों को यही कहना था कि लड़कियाँ को पढ़ा के क्या करेंगे, अरे इन लोगों को तो शादी कर देंगे, वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो मुझे पढ़ा के फ़ायदा क्या होगा, पैसा जो है मैं अपने लड़के में लगा देता हूँ या बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, इस तरह से कह के हम लोगों का भगा दिए थे। लेकिन हम लोगों ने ये ठान लिया था कि नहीं, हमें करना है। हम लोग ब्रिज से आए हैं और हम लोग जो है वैसे वैसे जो आर्थिक रूप या बदलने के लिए अगर किसी के घर में जाते थे तो 2 घंटे या 3 घंटे भी लगते थे। अगर वो नहीं मानते थे तो फिर 2-3 दिन बाद भी फिर जाना पड़ता था। जितना वो करते हैं, जितना लड़के लोग करते हैं, उससे कम बच्चियाँ भी नहीं करेंगी, और वो भी अपना कैरियर बना सकती हैं। कैरियर बनाने के बाद वो अपना फैमिली संभाल सकती हैं। बच्चियाँ लोग जैसे आपकी घर पे मदद कर रही हैं ना, तो जॉब पे होते हुए भी आपकी हेल्प करेंगी। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा, वृक्ष मेरे लिए एक बहुत ही बेस्ट आइडिया लेके आया, जो कि एक गुरु से भी गुरु बोल सकते हैं। एक्चुअली मेरे घर का फाइनल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो इंजीनियरिंग में स्कोप होता है, बहुत जल्दी जॉब लग जाता है, और जिसके कारण मैं अपने फाइनेंसियल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। जिस तरह से मैं अभी तक जीते आ रही हूँ, वैसा मैं अपना फ्यूचर को नहीं कर सकती। हम लोग का तो एक स्लोगन है, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले एक इंसान बनो। बैठो, 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 बैठो।
ये दोनों इंग्लिश में इसमें मिला और इंग्लिश में इसमें नहीं। अब आपको जो जेई का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और आप बिजी हो जाइएगा, तो कब तक पढ़ाइएगा इन बच्चों को? जब तक टाइम मिले, जैसे इन लोग का मतलब पढ़ाई होता है 3:30-4:30, ये तो वहाँ तक टाइम निकाल लेंगे, फिर पढ़ाएंगे इन लोग को, वो लास्ट एग्ज़ाम तक छोड़ देंगे फिर पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ शुरुआत से ही सिखाया जा रहा है कि जैसे आपको हमने हेल्प किया, आपको दूसरे बच्चे को भी हेल्प करना है।